एडवोकेट किशोर कामले जी, देखिए एक बार आपकी पिटाई हो और आप थाने जाएं, समझ में आता है। फिर दोबारा आपकी पिटाई हो, आप FIR लिखें, थाने जाएं, तो कह सकते हैं कि पहले समझ में नहीं आया, मूर्ख होगा, चलो दूसरी बार चला गया, अब के समझ में आ गया, ठीक है। मगर आपकी रोज पिटाई हो और रोज आप थाने में जाके FIR लिखाओ और वहां जजमेंट ना हो, इसको क्या कहोगे आप? तो फिर कहां जाओगे? उपाय बताइए ना। तो उपाय तो देके गए ना सब लोग, बाबा साहब ने चुरा मेरे मज पम्मट कणा वेर मनी सिखा पदंग समाधिया मी चुरा मेरे मज पम्मट कणा वेर मनी सिखा पदंग समाधिया। जो ये आरक्षण का जो मामला है, ये देश आजाद होने के साथ में ही शुरू हो गया था। हमारे संविधान में पहला संशोधन इसी बात का हुआ था कि जो हमारा आर्टिकल 15(1) है, उसको 15(4) के जो है उसको जो है वो बता दिया गया था कि 15(4) जो है वो 15(1) का पार्ट नहीं है, और 15(1) तो फंडामेंटल राइट है और 15(4) फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इस तरह से व्याख्या जो है मद्रास हाईकोर्ट ने इसमें कर दी थी। तो पहला संविधान संशोधन इसी बात का आया था, और जब से ये संविधान लागू हुआ है, संविधान लागू होने के साथ ही सभी लोगों को इसी बात पर दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। ये जो रिप्रेजेंटेशन वाला मामला हमारा था, इसके बाद सी राजेंद्रन का केस आया, इससे पहले बालाजी का केस आया 1963 में, उसमें भी इसी तरह की जो है 16(4) की व्याख्या की गई है। और फिर केस एक आया 1967 में सी राजेंद्रन का, जो सी राजेंद्रन के केस में जो है कहा गया था, इसको एनेबलिंग अधिकार बताया 16(4) को, कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये सरकार की मर्जी के ऊपर निर्भर है, ये कहा है सी राजेंद्रन के केस में 1967 में। तो धीरे धीरे करके ये केस चलता रहा, लेकिन वो लोग जो है डिसीजन कराते रहे और अपने पास रखते चले गए। उनको पता था कि जब हमारा सही समय आएगा तब इन डिसीजंस को जो है इम्प्लीमेंट कराएंगे, और वो धीरे धीरे करके उनको चलता रहा। तो 67 के बाद फिर जो है 92 में जब OBC का आरक्षण लागू हुआ, तो केस इंदिरा साहनी का आया है, और इंदिरा साहनी के केस में कई अच्छी चीजें आई हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है इंदिरा साहनी के केस में, इसका हमारा पदोन्नति के आरक्षण से कोई मतलब नहीं था। ये इंदिरा साहनी का केस पिछड़ी जाति के आरक्षण पर लाया गया था, और OBC के रिजर्वेशन को लेकर 9 जजेज की बेंच जो है इसमें बैठी थी, उसमें 2 जज जो थे, उन दोनों जजों ने कहा कि हमें पदोन्नति के आरक्षण पर भी विचार करना चाहिए। तो 7 जज बोले कि ये विषय हमारे सामने जो है विचाराधीन नहीं है, और हमें पदोन्नति के आरक्षण पर विचार नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी जब डिसीजन लिखा गया, तो जो दोनों जज थे, उन दोनों ने अपनी जो है राय लिखी इस निर्णय के ऊपर, और एक जज ने अपनी राय लिखी, दोनों की लगभग सेम राय थी कि यदि पदोन्नति सीनियरिटी से होती है तो फिर जो है अपने आप जो है लोग बाग SC ST के भी पदोन्नति पा जाएंगे, और यदि मेरिट से होती है, टेस्ट से होती है, तो फिर जो है वो नहीं पा पाएंगे, वहां आरक्षण मस्ट है, पदोन्नति का आरक्षण। इतनी बात इसमें इंदिरा साहनी के डिसीजन में पदोन्नति के मामले में हुई थी। और यदि इसको इसकी कोई कीमत भी नहीं है जो दोनों लोगों ने वो बात कही, पहली बात तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पदोन्नति का आरक्षण जो है खत्म हो गया जो है, और जो उन्होंने कहा था उन दोनों लोगों के 2 विचार थे, और वो 9 जजेज के फैसले में उनका कोई जो है अस्तित्व नहीं बनता और उनका कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद इस देश के मीडिया ने झूठ बोला कि SC ST का पदोन्नति का आरक्षण समाप्त। उसमें इन्हीं दोनों लोगों ने ये बात भी 5 साल वाली बात भी कही कि 5 साल में इसका जो है देख लिया जाए 5 साल के बाद। तो लेकिन इसी झूठ को पूरे देश में प्रसारित किया गया, और हम लोगों ने वो निर्णय पढ़ा नहीं है, हमारे समाज के लोगों ने वो निर्णय पढ़ा नहीं है, और पूरे देश के मीडिया ने झूठ बोला, सब लोगों ने झूठ बोला इसमें कि ये SC ST का आरक्षण जो है पदोन्नति का समाप्त हो गया जो है। उस बात पर कोई चर्चा नहीं हुआ कि OBC का आरक्षण जायज ठहरा दिया गया।
उसका इतना चर्चा नहीं हुआ जितना चर्चा इस बात का हुआ कि एस सी एस टी का पदोन्नति आरक्षण समाप्त हुआ। उसी बात को लेकर 16/4 को संशोधित करने सरकार ने इस मामले को लिया है और 77वां संविधान संशोधन जो है कांग्रेस सरकार थी उस समय वो लाई और उन्होंने कहा कि हम जो है पदोन्नति का आरक्षण देंगे। इसके पीछे साजिश क्या थी, जो वास्तविक साजिश थी 16/4A लाने के लिए, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 16/4 है उसमें समाज के पिछड़े वर्गों को नौकरियों में नियुक्ति और पदों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पिछड़े वर्ग में एससी एसटी भी आगे और ओबीसी भी आगे, दोनों आगे। और जैसे ही वो ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ हमारा 1992 में, तो एकदम से उनको ये पता था कि ये पदोन्नति का आरक्षण पिछड़ी जाति को भी लेना पड़ेगा। इस साजिश के तहत ये पूरा खेल इस देश में हुआ है और उन्होंने पार्लियामेंट में भी 16/4A लाया गया और जहां जहां चार जहां समाज के पिछड़े वर्गों के लिए 16/4 में लिखा गया था आरक्षण, उसके लिए एससी एसटी शब्द जो है यूज किया गया है और सरकार ने कहा कि हम जो है एससी एसटी को पदोन्नति का आरक्षण देंगे। तो सारा जो है खेल तो वहीं से होना शुरू हुआ था। और इंदिरा साहनी के डिसीजन जो है, जो 9 जजेज का डिसीजन था, उसमें पदोन्नति के आरक्षण के खिलाफ कुछ भी नहीं है, बल्कि पदोन्नति के आरक्षण को इंदिरा साहनी का डिसीजन प्रोटेक्ट करता है और बहुत मजबूती से प्रोटेक्ट करता है। इंदिरा साहनी के डिसीजन में 16/4 जो है, 16/4 को एक्सेप्शन नहीं कहा गया, एनेबलिंग नहीं कहा गया और मैंडेटरी माना गया है कि ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है और ये फंडामेंटल राइट है। इसके बाद 97 में दो डिसीजन और आए, एक जगदीश लाल का आया और एक अशोक कुमार गुप्ता का आया। इन दोनों डिसीजन में ये इसको 16/4 को फंडामेंटल राइट बताया गया कि ये फंडामेंटल राइट है। ये मैं कोर्ट की बात बता रहा हूं जो कोर्ट ने कहा, जबकि ये फंडामेंटल राइट के अध्याय 3 में है। अध्याय 3 में जितनी चीजें लिखी हुई हैं सारी फंडामेंटल राइट हैं और ये चोर बजारी हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ कर रहा है। तो जगदीश लाल और अशोक कुमार गुप्ता के केस में 97 में दोनों केस आए और इन दोनों में फिर जो है फंडामेंटल राइट बताया गया कि ये जो 16/4 है ये फंडामेंटल राइट है, इनेबलिंग अधिकार नहीं है। इसके बाद दो केस फिर और आए 99 में, अजीत कुमार जुनेजा और अजीत सिंह। इन दोनों केसों में फिर वही बात, सी राजेंद्रन वाली और बालाजी वाली बात वहां से कॉपी पेस्ट करके और इन निर्णयों में रख दिया गया। और हमारे लोगों ने जो है ये जो 97 के दोनों डिसीजन थे, ना तो इनकी बात रखी गई है हमारे लोगों द्वारा और ना ही इंदिरा साहनी वाली बात जो है रखी गई जिसमें इसको मैंडेटरी बताया गया था 16/4 को। इसके बाद इन दोनों डिसीजन के बाद फिर एम नागराज का डिसीजन 2006 में आया और एम नागराज के डिसीजन को यदि हम देखें कि ये इसकी ओपनिंग पैराग्राफ में ही जो लिखो देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट किस केस को जो सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट उन्हीं केस को सुन सकती है जो फंडामेंटल राइट होते हैं। एम नागराज का पहला पैरा जो है, जो ओपनिंग पैराग्राफ इसका लिखा गया है, ओपनिंग पैराग्राफ में लिखा कि हम इसको आर्टिकल 32 में सुन रहे हैं। जब वो आर्टिकल 32 में इसको सुन रहे थे तो आर्टिकल 32 में जो है, तो फिर आर्टिकल 32 पर तो दो चीज और भी चीजें लागू होंगी। आर्टिकल 32 पर जो है हमारा आर्टिकल 13 लागू होगा कि फंडामेंटल राइट को न तो कोई कम कर सकते हैं और ना उसको जो है खत्म कर सकते हैं। तो जब उसको कम और खत्म नहीं कर सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट को जो है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती जो है, तो इसका एम नागराज का डिसीजन आया और उसमें 3 शर्तें हमारी जो है जोड़ दी गई। अब तीनों शर्तें जो है, सभी जो है सम्मानित साथी, सभी लोग जो है उनको तीनों शर्तों का पता है। बैकवर्डनेस का मामला था, बैकवर्डनेस का पहले से ही हमारे इंदिरा साहनी के डिसीजन में जो है कि बैकवर्डनेस एससी एसटी पर लागू नहीं होगी, ये पहले से ही 9 जजेज की बेंच ने तय कर रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझकर बैकवर्डनेस का डाटा की बात इसमें कही गई है और बैकवर्डनेस का डाटा जो है तैयार करना जो है लगभग असंभव है। ऐसा कोई जो है फार्मूला नहीं है, ना तो किसी आदमी के पास है ना सरकार के पास है। हमारे पास तो केस आते हैं, अभी IIT रुड़की में एक प्रोफेसर है 14 साल से प्रोफेसर है, उसका भी उत्पीड़न हो रहा वहां। तो क्या वो बैकवर्ड नहीं है? अब एससी है, वो एससी के वजह से उसका वो हो रहा है। अभी एससी एसटी आयोग से उसको एक लेटर भिजवाया था डायरेक्टर को मैंने,
अब वो बैकवर्डनेस का डाटा वाली बात बिल्कुल इलीगल है। दूसरी बात क्वांटिफेबल डाटा, डाटा वाला जो मामला है, ये जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाला मामला है, इसको हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। ये हमारे आर्टिकल 16(4) में है कि प्रतिनिधि, लेकिन उसका उसका जो व्याख्या है वो व्याख्या जो है बहुत गलत तरीके से जो है ये लोग करते करते हैं। तो अब तीसरा था जो है एफिशिएंसी प्रभावित ना हो। अब एफिशिएंसी वाला मामला जो है वो तो सिर्फ जो है आज तक पूरे भारत में एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका SC ST के आदमी का प्रमोशन हुआ हो और उसने उसको किसी अधिकारी ने ये कहा हो कि तुम जो है पद पर गलत आगे हो और तुम जो है इस काम को नहीं चला सकते। जो काम जो है उसको सौंपा गया, कोई भी ऑफिसर जिसका भी प्रमोशन हुआ, एक भी डाटा नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन RTI में पूछा था विभिन्न डिपार्टमेंटों को कि आपके यहाँ जो है कोई ऐसा अधिकारी कर्मचारी है जिसका आरक्षण के बल पर प्रमोशन हुआ हो और उस काम को नहीं कर पाया हो। एक भी आदमी किसी भी डिपार्टमेंट ने मुझे लिख कर नहीं दिया था। तो अब एफिशिएंसी चेक करने की कौन सी मशीन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि जिससे एफिशिएंसी चेक की जाएगी? तो एफिशिएंसी वाला मामला भी जो है, वैसे पवित्रा 2 में ये हट गया था एफिशिएंसी वाला कि एफिशिएंसी चेक नहीं हो सकती, चंद्रचूड़ का डिसीजन आया था तो उसमें एफिशिएंसी का मामला भी नहीं बनता। तीसरा मामला था जो डाटा वाला मामला, क्वांटिफेबल डाटा वाला, आरक्षण जो है रोस्टर से ऑपरेट होता है। अब हमारा यहाँ चीफ सेक्रेटरी, मैं इस केस में था पदोन्नति के केस में, और जितने दिन इसकी बहस चली है मैंने रोज सुनाया सबको, और सुबह जो है 10 बजे शुरू हो जाता था, 4 बजे तक हम वहां खड़े रहते थे और लगातार मैंने पूरा केस सुना। एक तरफ जो है सबसे बड़ी गलती इसमें केंद्र सरकार की है, इस केस में पूरे में केंद्र सरकार एक तरफ तो कहती है कि ये रोस्टर से ऑपरेट हो रहा, डाटा की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ डाटा लेकर खड़ी हो रही वहां, कहने लगे जी लो डाटा है हमारे पास। तो दो तरफा काम जो है ये पैरोकारी जो है वो जनरल की लोगों की ज्यादा कर रहे थे, हम लोगों की कम कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग बहुत साउंड हैं ना, आज तक 16(4) खत्म हुआ है ना, 16(4)A खत्म हुआ है ना, 4(b) खत्म हुआ है, 77, 81, 82, 85 वे सारे संविधान संशोधन जो है वो सही है, वो संविधान में जो है स्टैंड कर रहे हैं। मैंने RTI सुप्रीम कोर्ट को भी पूछी थी, ये सामाजिक न्याय मंत्रालय को पूछी थी, ला सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पूछी थी, क्या ये संविधान जो है डिलीट हो गया क्या संविधान में से? वो सब कह रहे हैं कि ये सब जीवित हैं, जीवित हैं तो इनका लाभ कैसे मिलेगा? लाभ मिलने के लिए तो ये कुल मिलाकर जो है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो है लापरवाही है। अब जो डिसीजन आया है कल जो है, ये 12-28 जनवरी को जो डिसीजन आया, इसके ऊपर मैंने 2 मैसेज लिखे हैं, एक कल लिखा था और एक आज लिखा, और एक मैसेज मैं इस पर कल लिखूंगा, तो जिससे लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये मामला है क्या। अब आप देखिए 26 अक्टूबर 2016 को, 26 अक्टूबर 2006 को एम नागराज का डिसीजन आया था, और एम नागराज के डिसीजन में जो 3 शर्तें लगाई गई थी इसको लेकर प्रेम कुमार जो है, प्रेम कुमार का एक लखनऊ का बेंच का जो डिसीजन हुआ था, और उसमें जो है ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शर्तें पूरी नहीं की, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये पदोन्नति का आरक्षण जो है अवैध अल्ट्रा वो घोषित कर दिया था उसको। लेकिन उस प्रेम कुमार वाले डिसीजन में भी ये कहा गया था कि जो लोग पदोन्नति पा गए उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उस निर्णय के ऊपर हमने काफी आंदोलन किए सहारनपुर में, सबसे ज्यादा आंदोलन सहारनपुर में हुए, और हम लोग उस आंदोलन को करते रहे। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसमें कुछ लोग जो हैं आकर उस पूरे आंदोलन को डिस्टर्ब कर दिया गया था, तो हम फिर इसमें पीछे हट गए थे थोड़ा सा। पीछे हटने के बाद जो है मैंने कहा चलो भाई, वो कुछ बिजली विभाग के कर्मचारी थे, एक दो और लोग थे, कहने लगे हम करेंगे जी, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा चलो भैया तुम कर लो, तो हम उसमें पीछे हट गए थे। तो उसके बाद जो है जो एक कल डिसीजन आया, अब ये डिसीजन में ये कहा कि सबसे पहली बात इसमें ये कही गई कि प्रोस्पेक्टिव डेट से एम नागराज का डिसीजन लागू होगा। हम लोग वहां जो हमने अपना पक्ष रखा था सुप्रीम कोर्ट में, हमने ये कहा था कि पहली बात तो हमने ये कही थी कि सुप्रीम कोर्ट को जो है संविधान संशोधन जो होते हैं आर्टिकल 368 के तहत जितने भी संविधान संशोधन होते हैं उनको जो है फंडामेंटल के आधार पर रिव्यू नहीं किया जा सकता। अब चूंकि आप वो सुनने को तैयार नहीं है, आज नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, 10 साल बाद सुनेंगे, 5 साल बाद सुनेंगे, सुनना तो सुप्रीम कोर्ट को पड़ेगा। दबाव में सुनेंगे, जैसे रविदास जयंती वाला, रविदास मंदिर वाला फैसला सुना गया था दबाव में, या 2 अप्रैल वाला फैसला सुना गया था, उस तरह सुनेंगे। अब आप 16 साल बाद ये कह रहे हैं कि ये प्रोस्पेक्टिव डेट से लागू होगा, यानी जिस दिन डिसीजन हुआ था
उस दिन से लागू होगा। अब इसको ये देखिए कि यदि ये 26 अक्टूबर 2006 से लागू होना है तो जो उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख कर्मचारी जो है डिमोशन हुए हैं, आज भी उत्तर प्रदेश में किसी भी डिपार्टमेंट के पास वरीयता सूची नहीं है। यदि इस निर्णय के हिसाब से हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में लड़े या उत्तरांचल में लड़े, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश दोनों में पदोन्नति का आरक्षण समाप्त है, और यदि हम इस बात से लड़े कि ये प्रोस्पेक्टिव डेट से लागू होने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, भले ही 16 साल बाद कही है, तो जो सीनियरिटी लिस्ट जो है जिन हम लोगों को जितने लोगों को डिमोशन किया गया था वो डिमोशन सारा जो है अनवैलिड हो गया इस डिसीजन के बाद। अब यदि वो अनवैलिड हो गया, अनवैलिड होने के बाद उसको कैसे हम जो है वो करें कि उसको कैसे लागू करें, अब ये बड़ी समस्या है। यदि जो है उसको 2006 से लागू करना है डिसीजन को, तो 1995 15 जून 1995 से लेकर 2006 तक के जितने डिमोशन हुए हैं वो सारे सरकार को बहाल कर देने चाहिए, और जिन जो वैधता सूची दोबारा बनी है, सीनियरिटी लिस्ट बनाई है, उसको जो है 2006 में जो थी वो एज इट इज जो है बनानी पड़ेगी। अब वो बनानी पड़ेगी तो जिन लोगों के सामान्य जाति के सब लोगों के प्रमोशन हुए हैं उन सबको डिमोशन करना पड़ेगा। ये प्रोस्पेक्टिव डेट का मामला है कि प्रोस्पेक्टिव डेट से ये इसका जो अर्थ है, तो इसका साफ साफ अर्थ ये है कि ये जो डिसीजन है ये सरकार ने जो है इस हिसाब से करवाया है जिससे जो है कि आपस में लड़ जाएं कर्मचारी। उद्देश्य जो है न्याय देने का कम है और लोगों को लड़ाने का ज्यादा है। दूसरी चीज इन्होंने डाटा की कही है कि डाटा की बात तो पहले से ही कहते आ रहे हैं क्वांटिफेबल डाटा की, लेकिन अब काडर बेस्ड डाटा जो है कहा गया है। अब काडर वाइज डाटा की मांग जो है ये कहां से आई है, ये आई है कर्नाटका से। कर्नाटका का जो डिसीजन था पवित्रा टू का, तो पवित्रा के डिसीजन में जो है ये कहा गया था कि जो डाटा है उन्होंने डाटा दे दिया था कर्नाटक सरकार ने कि ये लो डाटा, हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो जो डाटा इकट्ठा दिया गया था तो उस इकट्ठे डाटा में जो है वहां पदोन्नति का आरक्षण बहाल हो गया था, तो वहां के जो 3% ब्राह्मण लोग हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक वही 3% साउथ के ब्राह्मण हैं जिनको खतरनाक कहा गया, तो उन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी। उन्हीं की बात थी ये कि डाटा जो है वो उसके वो डाटा जो है उसका होगा संवर्गवार डाटा होगा, कार्डर वाइज डाटा होगा, तो उनका पदोन्नति का आरक्षण उनको समाप्त कराना था कर्नाटक वालों का, बाकी सब जगह तो समाप्त हो ही रखा, इसलिए काडर वाली बात कर्नाटक से आई। और इस बात को काडर वाइज ड्राफ्ट को अटोर्नी जनरल ने भी रखा है, और जो एससी एसटी की तरफ से जो एक सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह खड़ी थी वो हमारे जनरल सिंह की तरफ से भी थी, जो पंजाब के हमारे साथी हैं, तो उस उनकी तरफ से भी थी, पंजाब के साथियों की तरफ से एससी एसटी की वकालत करी उसने, और बिहार की तरफ से उसने जो है जनरल के लोगों की वकालत करी। और जब वो जनरल के लोगों की वकालत कर रही थी उस टाइम इसने ये क्वांटिफेबल डाटा की बात करी, जब वो एससी की वकालत कर रही थी, जबकि ये एडवोकेट्स के नियमों के विरुद्ध है, एडवोकेट्स के जो रूल्स होते हैं उनके विरुद्ध है कि आप दोनों पक्षों की कैसे पैरोकारी करेंगे, लेकिन हमारे अटोर्नी जनरल भी दोनों पक्षों की पैरोकारी कर रहे थे, और ये जो क्या नाम है इंदिरा जयसिंह है वो भी दोनों पक्षों की पैरोकारी कर रही थी। मैंने उनके दोनों भाषण सुने हैं, एक भाषण तो एक जो है जो आर्गुमेंट था उनका वो उन्होंने अस्पताल से दिया था, वो बीमार थी अस्पताल में भर्ती हो गई थी, उन्होंने वो कहा था कि मैं पता नहीं मरूंगी या जीऊंगी और मेरा जो है वो होना चाहिए, आर्गुमेंट होना चाहिए। फीस ले रखी थी उसने जो है अच्छी फीस उन लोगों ने अच्छी ली जो है, तो लेकिन दो ही लोगों के जो है फैसले में दो ही लोगों की बात लिखी गई है, एक इंदिरा जयसिंह की लिखी गई है और एक अटोर्नी जनरल की लिखी गई है, जबकि उसके अतिरिक्त जो है वहां शेड्यूल कास्ट के 15 से 20 एडवोकेट हमारे और थे। हमारे डॉक्टर के एस चौहान साहब थे और उन्होंने काफी अच्छा पक्ष रखा उसका, उस पक्ष को नहीं रखा गया। हमारी तरफ से जो है जो मैं मध्य प्रदेश वाले केस में पार्टी था उसमें जो है हमारे अशोक शर्मा थे, उन्होंने इन रिटेन भी जो है बहुत अच्छा आर्गूमेंट दिया था और बोला भी था, लेकिन वो जो है नहीं लिखा गया। अटोर्नी जनरल के जो लड़के थे वो मध्य प्रदेश की तरफ से, उन्होंने जो है मध्य प्रदेश सरकार के एडवोकेट थे और उनकी तरफ से उन्होंने जो है वो रखा गया, उनका नाम भी नहीं लिखा गया। जिन्होंने आरक्षण के फेवर में बात कही गई है वो डिसीजन में नहीं लिखी गई है, सिर्फ दो ही लोगों की बात लिखी गई है। अब इसमें जो हवा हवाई बातें थी जो संविधान से ऊपर थी उन बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। वैसे कार्डर वाइज डाटा से हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा फोर्थ क्लास में जो है एम्प्लॉई है, यदि डाटा इकट्ठा करने का मामला ही है तो डाटा में फोर्थ क्लास में सबसे ज्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे करके क्लास 1 तक बहुत कम हो गए।
तो यदि कार्डर वाइज डाटा होगा, जेई का अलग होगा, ई का अलग होगा, तो फिर उसमें जो है हम लोगों को उसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन ये समस्या क्यों पैदा की जा रही है? सवाल ये है, जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं ब्राह्मण वाले, उनके 50% से ऊपर जब प्रतिनिधित्व है, उनको तो सुप्रीम कोर्ट एक बार भी नहीं पूछता कि तुम्हारा कितना प्रतिनिधित्व, तुम क्यों आ रहे हो, तुम्हारा कौन सा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। आर्टिकल 32 में व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट होता है तो अपना केस ले जा सकता है। उनको तो हमने जो आरक्षण देने से मना नहीं किया, उनका तो अपना जो है, उनका तो कोर्ट अपना वो है, उनको कहा हमने मना किया, हमने तो जो है सिर्फ जो है SC ST के लोगों का आरक्षण है उसकी बात कर रहे हैं, अपना अधिकार हम मांग रहे हैं, हमारा अधिकार उनके अधिकार का हनन कैसे हो गया? तो ये कार्डर वाइज बात होगी, और ये दूसरी बात जो है प्रोस्पेक्टिव डेट से लागू करने की बात होगी, और तीन चार बातें इसमें और कही गई हैं इसी डिसीजन में पर इसमें, लेकिन ये अभी अंतिम डिसीजन नहीं है। अभी 24 फरवरी को इसमें और लगा दिया गया, और जिस तरह से ये मध्य प्रदेश वाले केस में हम पार्टी हैं, और मध्य प्रदेश वाला केस हम जो है निश्चित रूप से जीत जाएंगे, जिस तरह की उसकी सरकमस्टांसेस बनी हुई हैं, तो कुछ केस इसमें और जीते जाएंगे। और रही बात ये कि लड़ाई को लड़ना तो पड़ेगा। राजकुमार सर, जी सर ये 24 तारीख को मेरिट पे जजमेंट आएगी ना? जी तो सर, जो आपने एक बात बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये थी कि 9 जजेस की बेंच में 2 जजेस ने अपना ओपिनियन दिया, जी और जो बाकी जो 7 जजेस थे वो जी उनका जो ओपिनियन था वो अलग जी था। उन्होंने तो कुछ कहा है इस बारे में? ये मैं सबको बता दूं एक बार, कि जब जी भी कोई बेंच बनती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उस बेंच में हमेशा ऑड नंबर होता है, इवन नंबर के जजेस नहीं बैठते हैं। वो ऑड नंबर इसलिए होता है कि कहीं पे अगर मामला फंस जाए, मान लीजिए कि 3 जजेस बैठे, 2 का ओपिनियन या तो 2 का ओपिनियन एक जैसा होगा या तो 1 का ओपिनियन एक जैसा होगा, तो कहीं पे अगर बात फंस जाए तो वहां पे जो मेजोरिटी होगी वो डिसाइड करेगी कि जजमेंट किस तरफ जा रही है। तो जब सर ने बताया यहाँ पे कि मीडिया ने एक रोल प्ले किया और उस चीज को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे पदोन्नति में आरक्षण खत्म हो गया हो, उसके बाद जब 10% आरक्षण EWS का मिल जाता है, उस पे पिटिशंस फाइल होती हैं, उस पे कोई बात नहीं होती है। उसके अलावा जितने भी एडवोकेट्स वहां पे अपनी बात रख रहे हैं, उनके आर्ग्यूमेंट जजमेंट का पार्ट नहीं बनते हैं। उसके अलावा जो जितने भी वहां पे जजेस बैठते हैं, अटॉर्नी जनरल बैठते हैं, या बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे भी काम कर जाते हैं, वो एक बार एक तरफ से बोल रहे हैं और वो और जो है दूसरी बात दूसरी तरफ से बोल रहे हैं। तो बेसिकली जो इस चीज से हम सब समझ पाते हैं वो ये है कि ये जो पूरा स्क्वायर है, जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा का पूरा हमको हराने में लगा हुआ है, और ये पूरा का पूरा हमको हरा के वो हमको वहीं पहुंचाना चाहता है जहां से हम आगे आए। तो जब ये पूरा सिस्टम हमको हराने के लिए लगा हुआ है, तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि वो हमको हराने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं और हम अपने जीतने के लिए 24 घंटे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है हारने और हराने का, इसमें हम जब 24 घंटे काम करेंगे तब हम पहले एट पार आएंगे और फिर हम इस पोजिशन में आएंगे कि हम वो हरा सकें। तो इसलिए जो यहाँ पे काम चल रहा है जुड़ने का और जोड़ने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम सब इकट्ठे होते, अगर हमारी सोशल विल होती, तो उससे हमारी जुडिशियल विल भी होती। जैसा ये बताया जाता है कि जिनकी सोशल विल होती है उनकी पॉलिटिकल विल होती है, सिमिलरली उनकी जुडिशियल विल भी होती है, उनकी एजुकेशनल विल भी होती है, उनकी फाइनेंशियल विल भी होती है, और उनकी जो है हर तरह की विल होती है, क्योंकि वो सोशली अवेयर होते हैं और वो अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। इसलिए जब तक हम इकट्ठे होके एक साथ अपनी बात नहीं कहेंगे, या हम इकट्ठे होके एक साथ एक काम पे नहीं चलेंगे, एक रास्ते पे नहीं चलेंगे, या इकट्ठे होके हम वो काम नहीं करेंगे जिस काम की वजह से हम पहले जीता करते थे और अब हारने लगे हैं, तो तब तक चाहे कोई जजमेंट हो, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, चाहे कोई पार्लियामेंट का बिल हो, वो सारे के सारे गोलमोल होके आएंगे, वो सारे के सारे ऐसे लपेट लपेट के दिए जाएंगे, उनका कोई फायदा नहीं है। अभी जो जजमेंट आई है,
इस पे स्टेट गवर्नमेंट केंद्र और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने अपने ऑर्डर्स निकालेंगी, ऑफिस ऑर्डर्स निकालेंगी, वो उसको इम्प्लीमेंटेशन में ऐसी इंटरप्रिटेशन करेंगे और ऐसा इंटरप्रिटेशन करके कागज हमारे हाथ में थमा देंगे, हमारे पास दूसरा चारा नहीं रह जाएगा, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट में खड़े नजर आएंगे। राजकुमार सर ने बताया 60s से चल रहा है ये काम, 1960s से, 60s में, 70s में, 80s में, 90s में, 2000 में, 2006, 2018, अब 2021, 2022, ये काम लगातार चल रहा है। और हम क्या बने हुए हैं, हम शटल कॉक बने हुए हैं, इधर से बल्ला मारता है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के पास पहुंच जाते हैं, इधर से बल्ला मारती है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के पास पहुंच जाते हैं, हमारा जो टाइम और एनर्जी है वो सब शटल कॉक बनने में खत्म हो रहा है, हमारा जो टाइम और एनर्जी है वो सब इसी बात में खत्म हो रहा है, हम इसको चैलेंज कर दें, हम उसको चैलेंज कर दें, हम उसको चैलेंज कर दें। एक वकील जिसकी फेस वैल्यू होती है, जो अपनी बात रखता है सुप्रीम कोर्ट में, 15 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक की पेशी होती है उनकी एक डेट की, उस पेशी में वो खड़े हो, जजमेंट ऑर्डर हो ना हो, जज सुने ना सुने, वो आते हैं और अपनी पेशी लेके चले जाते हैं। तो या तो हम इतने पैसे दे दें कि हम उन लोगों को खड़ा करें, लेकिन उसके पीछे एक कॉन्ट्राडिक्शन और आता है, वो कॉन्ट्राडिक्शन आता है उस विचारधारा का, वो कॉन्ट्राडिक्शन ये आता है कि वो वकील जो इतने पैसे लेके बात करने को भी तैयार है, क्या उसका माइंडसेट वैसा है कि वो उस माइंडसेट से हमको रिप्रेजेंट कर सके? वो हमको रिप्रेजेंट तब करेगा जब उसका माइंडसेट, उसकी आइडियोलॉजी, उसका काम कर, उसने वो भुगता होगा, उसकी उसका माइंडसेट वैसा होगा कि वो प्रोग्रेसिव इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पे बेस्ड जो बातें हैं वो कर सके। अब अभी यहाँ पे बताया गया कि एक ही वकील ने दो तरफ से आर्गुमेंट कर दी, और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट में डेजिग्नेटेड सीनियर्स हैं वो एक ही केस में दो दो तरफ से कर देते हैं, पहले यहां से कर रहे थे, अब यहां से उनको नहीं मजा आ रहा है, दूसरी साइड से जाके कर देते हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए ये जो सिस्टम है ये बार बार हमको फेल करता है, और ये सिस्टम हमको बार बार फेल करता रहेगा, क्योंकि कमजोरी हमारी है, कमजोरी उनकी नहीं है, कमजोरी हमारी है। हम बार बार जो है थाली लेके पहुंच जाते हैं, हमको ये दे दो, हम बार बार जो है एग्जीक्यूटिव के सामने पहुंच जाते हैं, हमको ये दे दो, वो हमको भगा देते हैं, जाओ जुडिशरी के पास जाओ, वो हमको भगा देते हैं, जाओ एग्जीक्यूटिव के पास जाओ। तो ये लगातार चलेगा, ये जो आज ये जो जजमेंट आई है ये फाइनल नहीं है, अगर कोई ये समझता है कि जजमेंट फाइनल है तो ये फाइनल नहीं है, अभी केसेस और चलेंगे और केसेस चलते रहेंगे, उनको बड़ा मजा आता है हमारे केसेस को अटेंड करने में, उनको बड़ा मजा आता है कि जो है वो हमारे बीच में, वो ऐसा होता है ना कि बहुत सारे पक्षियों का कोई झुंड होता है और उसके बीच में दाना फेंक देते हैं तो सारे के सारे दाना चुगने पे लग जाते हैं, उनको बड़ा मजा आता है ये दाना फेंक के फेंकने में हमारे आगे, लेकिन वो दाना हमको कभी मिल नहीं सकता, वो फेंक देते हैं और फिर कोई समेट के ले जाता है, वो फेंक देते हैं फिर कोई समेट के ले जाता है, वो फेंक देते हैं फिर कोई समेट के ले जाता है। तो ये दाना फेंकना और दाना समेटने की जो प्रक्रिया है इसको हमें हमेशा के लिए खत्म करना है, और उसका तरीका यही है कि हमको अपनी सोशल विल बनानी है, और सोशल विल जो हमारी बनेगी वो बनेगी संघ से, क्योंकि हमें जो दिया गया है वो संघ दिया गया है, संघ हमारा था, हमको तो ये जो बीमारी है एक आदमी के पीछे चलने की और बिकने की, ये तो जबरदस्ती पकड़ाई गई है ताकि हम बार बार बिकते रहे और बार बार जो है एक आदमी हमको खत्म करता रहे। तो ये जो पूरा सर्कल है ये एक विशेष सर्कल है, और ये जो विशेष सर्कल है इसमें हम ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं कि हम बार 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 उसमें निकलने की कोशिश करते हैं, हम निकल नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो गलत है। हमारी लड़ाई रिजर्वेशन की नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी मांग ही नहीं थी कभी, हम जो यहाँ पे बैठ के जिस महापुरुष की वजह से हम यहाँ बैठ के आज बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बातें आप तक बता रहे हैं, आपकी बातें जो मान लेके जा रहे हैं, वो महापुरुष ने तो कभी कहा ही नहीं कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, वो तो जैसे हमको संघ की जगह संगठन जबरदस्ती पकड़ा दिए इतने इतने हंड्रेड ऑफ ईयर्स से कि ये हमको तोड़ते रहेंगे, सिमिलरली हमको रिजर्वेशन जबरदस्ती पकड़ा दिया, और हमको जब रिजर्वेशन जबरदस्ती पकड़ा दिया तो हमको उसकी लड़ाई भी साथ में जबरदस्ती पकड़ा दी कि ये लो पहले तुम रिजर्वेशन, अब तुम इसके लिए लड़ो, जाओ तुम लड़ो इसके लिए, और लड़के रिवर्स में रिजर्वेशन दिया था। जी सर, जी सर। तो जब तो ये रहा रिजर्वेशन और ये रहा साथ में इसका जो है लड़ाई, तुम रिजर्वेशन लेते रहना और तुम लड़ते रहना, और ये काम चल रहा है और ये चलेगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं है, हम अगर एक साथ आएंगे क्या रिजर्वेशन नहीं मांगने से लड़ाई खत्म हो जाएंगी?
सर कामले सर आप रिजर्वेशन नहीं मांगने से लड़ाई खत्म हो जाएंगी। मैं सर अपनी बात खत्म कर लूं उसके बाद आपका व्यू लेते हैं सर। तो ये जो सिस्टम है इस चीज का कि जो हमको ये पकड़ा दिया जो हमको चाहिए नहीं था, तो उसमें हम बार बार लड़े जा रहे हैं, हम ये लड़ते रहेंगे, ये नहीं खत्म हो सकता। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमारा जितने भी अधिकार हैं और जितने भी विल हैं वो नहीं बन सकती। कामले सर अपनी बात रखिए। नहीं, मुझे ये कहना है रिजर्वेशन मांग रहे इसलिए लड़ाई हो रही है ये बात तो है ही नहीं। दूसरी बात है इकट्ठा होना चाहिए ये बात तो 100% बराबर है, इकट्ठा तो होना ही चाहिए, मगर साथ साथ में जो परिस्थितियां सामने आती है और हमारे जो राइट्स है उस राइट्स पे यदि कोई हनन करता है तो उसके लिए हमारी आवाज उठाना उतना ही जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। संगठित होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक ये बात तो है ही, मगर साथ साथ में यदि कोई आपत्ति ऐसी आती है तो उसको भी हमको पहल करना चाहिए, उसको भी मुकाबला हमको करना चाहिए, इतना मैं कहना चाहता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि अभिषेक एडवोकेट अभिषेक राज, अरे एक सेकंड, जाल बिछाने वालों को यदि मजबूत करोगे तो आप पिंजरे में पकड़े जाओगे, तो ये तो अपन को देखो ये तो एडवोकेट किशोर कामले जी देखिए, एक बार आपकी पिटाई हो और आप थाने जाएं समझ में आता है, फिर दोबारा आपकी पिटाई हो आप FIR लिखें थाने जाएं तो कह सकते हैं कि पहले समझ में नहीं आया, मूर्ख होगा, चलो दूसरी बार चला गया, आपके समझ में आ गया, ठीक है। मगर आपकी रोज पिटाई हो और रोज आप थाने में जाके FIR लिखाओ और वहां जजमेंट ना हो, इसको क्या कहोगे आप? तो फिर कहां जाओगे, उपाय बताइए ना। तो उपाय तो देके गए ना सब लोग, बाबा साहब ने कहा ऑर्गेनाइज हो जाओ, बुद्ध ने कहा संगन शरण गच्छामी है, नहीं ठीक है हम संगठित हो रहे हैं, आप उसमें देर क्यों लगा रहे हो? आप सारा काम छोड़ के आपको संगठित होने का छोटा सा काम दिया है FIR लिखाने का, प्रोटेक्ट करने का, बाद में प्रदर्शन करने का, धरना करने का, और लाखों करोड़ों की संख्या में धरने प्रदर्शन करने का काम मुश्किल है और इकट्ठे होने का आसान है, मगर दलाल और जो नेता और जो पदाधिकारी और जो संगठनों के बड़े बड़े जो लोग हैं वो नहीं होने देना चाहते, इस बात को कौन समझाएगा? वो तो समझाएंगे नहीं, जो संगठन चलाते हैं वो क्यों कहेंगे कि हमारा संगठन बेकार है? वो तो कहेंगे हम कर तो रहे, हमने FIR लिखाई, हम तुम पिट गए तो हमने तुम्हें तुम प्रोटेक्शन दी, तुम पिट गए तो हमने तुम्हें पैसा दिया, तुम मर गए तो तुम्हारे घर वालों को पैसा दिलवाया, तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ खैरलांजी में तो हमने सड़कें जला दी, हम करते रहे, मगर खैरलांजी हो ना इस बात की तैयारी कौन कर रहा है? वो बलात्कार ना हो इस बात की तैयारी कौन कर रहा है? सरदार 2 करोड़ हैं, वो इकट्ठे हैं, उन पर कोई जाति नहीं होती, हम 30 करोड़ हैं, हम पर रोज जातियां होती हैं, ये हमारे बुद्धिजीवी कर क्या रहे हैं? हमारे जो ये सारे जानकार हैं ये क्या कर रहे हैं? ये हमको मरवा रहे हैं या हमको बचा रहे हैं? क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो इतना अच्छा, मेरा कहना इतना Hello, कहना आई हैव अ पॉइंट इन दिस। हेलो, एक एक करके बोले सर। आई एम विनोद कुमार फ्रॉम ONGC एंड आई एम फ्रॉम ऑल इंडिया। सर विनोद जी पहले उनके क्वेश्चन का कमेंट जो आया है उनका कमेंट आने दो ना सर, ऐसे क्या कर रहे हो? टाइम मैनेजमेंट प्लीज। कामले सर बताइए। एडवोकेट कामले सर बोलने पहले नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ संगठित होना, इकट्ठा होना ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट है, इसके लिए कोई दूसरा पर्याय नहीं है, ये मैं मानता हूँ, मगर साथ साथ में उस समय संगठित होते होते हमारे जैसे एक आधा पेड़ अपने एक बीज बो दिया है, पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उसके ऊपर कोई अटैक करता है, गाय भैंस आती है उसको खाने के लिए कोशिश करती है, तो उसको एक संरक्षण हम कवर करते हैं ताकि वो पेड़ बढ़ता बढ़ता रहे। तो जो हम इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं वो तो प्रोसेस चलना ही चाहिए, वो प्रथम फर्स्ट स्टेप पे चलना चाहिए, मगर साथ साथ में और संरक्षणात्मक हमें जो अटैक हो रहा है उसका भी मुकाबला करते रहना चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा संगठन होने के बाद में ही हम उसको रिएक्ट होंगे। एडवोकेट किशोर कामले जी, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रांति प्रतिक्रांति, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बुद्ध के समय में भी ऐसा हुआ है और बाबा साहब का मूवमेंट चला, उसके सामने भी प्रतिक्रांतियां होती रही है एडवोकेट, और बड़े पैमाने में होती रही है। हमको सस्टेन करने के लिए हमको कोशिश करना करते रहना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। एडवोकेट किशोर कामले जी, पिछले 70 साल की अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे
तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी संगठनाएं बनी हुई हैं वो सारे के सारे यही काम कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं, और इनको सबको ऑर्गेनाइज होने का आदेश हुआ था, संघ बनाने का आदेश हुआ था, वो काम तो स्टार्ट भी नहीं हुआ इस विदा पीपल समर संघ के अलावा। इस कंसेप्ट किशोर कामले सर, आप इसको किसने चालू किया इसको छोड़ो, आप अगर इसी बात को लेते हैं तो आज कितने साल हो गए हम बार बार है, तो आप सब जैसे आप जो बात करो ये बात करने की बजाय संगठन जो है और लोग है जितने इस काम में लगे हुए हैं उनको इस पे जोर दो ना, भी इकट्ठे हो, बस छोड़ो ये काम, क्यों जब पता है कि कोर्टों ने सुनना नहीं, आज तक बिना बात के पैसे खराब करे जा रहे हैं, जिसे बात करो करना है आंदोलन कर, इकट्ठे हो जाओ ना, आंदोलन हो गया, कोर्ट में जाना बंद कर दो अभी, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर देना, किस लिए जब न्याय नहीं मिल रहा वहाँ पे, जाना तो लड़ाई लड़के वहाँ बाहर धरना लगा, नहीं, नहीं, इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ। एडवोकेट किशोर कामले जी, मैं आपको एक एक गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप कोर्ट में पार्टी बनना बंद कर दिए, जजमेंट आपके घर आ जाएगा, बिल्कुल सर, एक मिनट, आई गारंटी दिस, आप कोर्ट में जाना बंद कर दीजिए, दैट इज योर इंडिविजुअल ओपिनियन है। नहीं नहीं किशोर कामले सर, एक मिनट विनय वर्मा जी, किशोर कामले सर, यहाँ पे किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमको उसको साइडलाइन कर देना चाहिए, यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि हमको अभी तो कमेंट आया ना, अभी तो कमेंट आया, ये करना छोड़ दो, नहीं नहीं संगठित हो जाओ सर, आपने जो बात की, आपकी जो बात है वो ये है कि अगर हम इकट्ठा हो रहे हैं तो क्या हम कोर्ट में काम करना छोड़ दें, वो नहीं किसी ने कहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये कहा है कि कोर्ट में बार 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 हम जा रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे, लेकिन उससे जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है, जिस रिजल्ट की हम इंतजार कर रहे हैं, जो रिजल्ट हमको चाहिए, वो रिजल्ट के लिए जब तक हम अपनी सोशल विल नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपनी आइडियोलॉजी को हर कोने में नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हम जो है संघ नहीं बनाएंगे, तब तक हम वो रिजल्ट ले नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लड़ाई लड़ना छोड़ दें, इसका मतलब मैं आपसे एग्री हूं, मुझे ये कहना है कि हम जाना छोड़ दें, नहीं नहीं मुझे आपकी आपने जो कहा उससे मैं एग्री हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कुछ साइमल्टेनियसली यही काम भी साथ साथ में चलना चाहिए, इतना ये काम तो रुक नहीं सकता ना सर, ये काम रुक नहीं सकता, तो हम कहा बोलते हैं रोको करके, हम तो ये बोलते हैं कि चलना चाहिए, तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट हम कर रहे हैं तो क्या जस्ट फॉर द आर्गुमेंट से ही आर्गुमेंट कर रहे हैं? नहीं 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 जस्ट फॉर आर्गुमेंट के लिए नहीं कर रहे, अभी आपको एडवोकेट राजकुमार जी ने जो बातें कही है और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या उन्होंने वो लड़ाई लड़ना बंद करना चाहिए क्या? नहीं, क्यों बंद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए, जो तो उनका प्रोफेशन है, वो उनका काम है, वो करेंगे, नहीं, प्रोफेशन करके नहीं, प्रोफेशन तो अपनी कमाई की बात होती, लेकिन यहाँ पे ये किसने कहा लड़ना बंद कर देना चाहिए, ये तो किसी ने कहा नहीं, तो भाई आर्गुमेंट किस बात का चल रहा है, मैंने आपने इनिशिएट किया ना आर्गुमेंट, मैंने क्या कहा, आप मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा, संगठित होना, एक संघ होना, ये समन संघ चल रहा है, ये प्रायोरिटी की बात है, बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए, इससे मैं 100% सहमत हूँ, ये मैंने कहा है, साथ साथ में ये भी कहा है कि जब जब हम ऐसा करते करते हमारे पर जो आपत्ति आती है उससे भी लड़ना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ, बात खत्म हो गई। हेलो, कांग्रेचुलेट द वी समन टीम to unite the people without any selfishness, without any political anything, to uniting our people and making the ghad and the vision of the Buddhas and Ambedkar philosophy. It's a very, very good initiative and many people will be joining and we are with you. Secondly, this is a group of very good doctors, engineers, officers and advocates. And I am not a qualified advocate, but I have been a petitioner in Gujarat High Court and Supreme Court. And we had a Niranjan Mehta, Girish Patel, they were our advocate. And still now, 4 cases we have filed in against ONGC. We went on 3 and 4th case was had a stay. And in ONGC, we could get our shares even in merit promotion. Unfortunately, this problem of reservation is more in the state government. Around 400 cases have been piled up from last 30 years so. And recently, 2 years before, ESZ Khobrakada Maharashtra or Maharashtra Officer Association, they had issued the promotion by Maharashtra government. But one Gokhale fellow supported by RSS Nagpur, an individual person went to the High Court and tried to take a stay. Stay was not granted. That time, our solicitor, Advocate General, Mr. K. Venugopal, then he became the Attorney General of there.
government of India, and he has treated our case in our favor. And then the case was referred to Supreme Court. So Supreme Court had linked all these pending SCST promotional cases from cadre to the merit class one promotions. And now the when Mr. Bhushan, Advocate Senior Bhushan, Shashi Bhushan appeared, the relief was given to the our SCST Punjab Association. Very powerful associations we have there. But now whatever interim judgments are there, whatever implementation, like one of my colleagues said, ki respective state government will interpret it in its own way. So they are having that advantage because the Manu Smriti, Manu Vadi and RSS background people are their administrative machinery and they are trying to interpret in that way. So that is the we have to fight out with our unity. I would say that you have got it very right. The problem here is that ideology which is 24/7 continuously working against us is sitting everywhere. Yes. So one fellow's name you took. The organization with which he is associated, it is there. He was there. He did certain things, but we will not go into that. This is true. And this is what the Sangh is doing. This Sangh is spreading that ideology. This Sangh is taking the basic needs, the basic education which was given to us from our forefathers. We are taking it ahead. We are not doing anything new. So you are absolutely right. And I believe you have got it absolutely. I would like to take your number and we will speak sometime, sir. But it's very surprising. Indira Jaisingh, she came here to this conference and she said she will fight our cause and she will fight for OBC also. But she has taken a general people case also. BR, it is very surprising. Indira Jaisingh. People like her will come. They will say, they will take your baton. They will carry your baton forward. But at the end, what they are doing matters. At the end, they will do what they have to do. They will not speak for you. So we will continue it because, sir, the problem is that most of us here are Hindi speaking people. So we will take it forward in Hindi only. सर छोटा सा कमेंट मेरा है सर उनका परिचय लेने देना एक बार वो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं सर छोटा सा कमेंट है केवल मेरा कहना यह है कि जो चर्चा हुई राजकुमार जी ने जो बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया रिजर्वेशन प्रमोशन के बारे में बट मेरा बुद्धिजीवियों से मेरा आग्रह है सभी भाइयों बहनों से कि वो जो जैसे बताया उन्होंने जो भी डिसीजन आए इंदिरा साहनी केस के मामले में जितने भी डिसीजन आए उनका देखिए उनका सो मोटो क्या है उन लोगों का मोटिव क्या है वो मनुस्मृति के लोग हैं जितने बैठे हैं वो लिंगरिंग करना चाहते हैं वो नहीं चाहते सल्यूशंस आए और ये सल्यूशंस का सारा मेरा ख्याल आज के जो कंसेप्ट में सुधीर राजे ने दिया है मेरा आप जब से अनुरोध हाथ जोड़ के जो आज कंसेप्ट हुआ है सुधीर राजे ने ऑलरेडी दिया है उसका सारा सोल्यूशन इतनी डिबेट हुई अभी प्रमोशन रिजर्वेशन प्रमोशन की उसमें सारा सोल्यूशन दिया हुआ है सुधीर राजे ने उसको समझे उस चीज को उनके इंटेंशन को समझने की कोशिश करिए मोटिव बिहाइंड दिस हम लोग विजनरी नहीं है आपको बता दूं हमारे हमारे देश में जो 90% लोग की जो बात हो रही है इफिशियंसी की बात हो रही है या क्वांटिफ्यूबल की बात हो रही है जो लड़के आज कॉर्पोरेट में जा रहे हैं सर मैं भी बड़ौदरा बेस हूँ आई मीन बड़ौदरा जो हाईकोर्ट यहाँ पे जो बच्चे कॉर्पोरेट में जा रहे हैं एक टेंडेंसी चले नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर बच्चे गवर्नमेंट में प्रेफर करते हैं बट गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया में लड़के जो है प्रेफर करते हैं कॉर्पोरेट्स में जो बच्चे जा रहे हैं चाहे वो किसी कम्युनिटी से हो एससी एसटी ओबीसी कहीं पे वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो कभी सोच भी नहीं सकते इतना आगे जा रहे हैं सवाल है कि मौका नहीं मिल रहा है हमारे लोगों को मौका नहीं मिल रहा है आने वाले कल ये रिवाइव होगा सिचुएशन इसका सारा सोल्यूशन सर संघ में है मैं 7 महीने से जुड़ा हूँ समर संघ में मैंने जो समझ रहा हूँ धीरे धीरे सुन रहा हूँ और रोज मैं सीख रहा हूँ मेरा मानना है कि मैं बहुत ही गलत था और मैं एक ही चीज को रिपीट करता जा रहा था बहुत कुछ सीख रहा हूँ इस 7 महीनों से समर संघ में सीखा है अभी मैं बचा हूँ और इसमें सबको मेरी गुजारिश है जो लोग कई बातें कर रहे हैं और अभिषेक राज जी ने बहुत बढ़िया कमेंट्स मैंने देखा इनके दे रहे हैं जो इन्होंने समझाया समर संघ को और आप सब लोग मेरी गुजारिश है इसको समझे समर संघ रोज सुनिए अगर आपको महीने 2 महीने सुनेंगे तो आपको सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा कि समर संघ क्या कहना चाहता है समर संघ कहाँ से आया है उसका उद्देश्य क्या है हम सब समर संघ को समझे मेरी इतनी गुजारिश है आपको सारा सोल्यूशन समर संघ मिल जाएगा आपने मौका दिया थैंक यू सर विनोद कुमार सर विनोद कुमार सर विनोद कुमार सर आवाज सुन रहे हैं क्या सर हाँ सुन रहा हूँ बोलिए बॉस सर एक आपका नंबर बोल दीजिए
सर अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे दीजिए, आप कहां से हैं? अच्छा सर, आई एम वीटी बोरकर, आई हैव बीन अ जनरल मैनेजर ओएनजीसी अहमदाबाद एंड बॉम्बे नाउ, एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द ऑल इंडिया एसएससी एसोसिएशन। ये मेरी फिफ्थ कंपनी है, मैं पांच कंपनियों में काम किया सर, ऑल इंडिया कंपनीज में, अलग अलग, ऑल ओवर इंडिया, राइट फ्रॉम कलकत्ता टू अहमदाबाद एंड बॉम्बे एंड मध्य प्रदेश, और हमारे रिश्तेदारी यूपी में भी है, एंड वी आर दी बाम से एक्टिविस्ट और हाफ ऑफ दी फैमिली, बट Nowadays we are working for the society. Okay. बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत साधुवाद. Thank you sir, thank you. And quite away from the politics, all kind of politics we are quite away. K.S. Chavan ji is also my good friend. He is with the PPI and all. Most of our friends are they are in politics, but I keep away from this union and all. जो चंदा इकट्ठा करने वाले हैं उनसे दूरी रहता हूँ, क्योंकि बहुत खराब अनुभव रहा है काफी लोगों का, और हमारे लोगों में डिसयूनिटी का रीजन भी यही है, जो पार्टी टूटी है आरपीआई एबीसीडी, और जो अभी मायावती जी का और ये सब समाज के जो बंधन टूटते जा रहे अलग अलग, वो डिसयूनिटी इज द मेन प्रॉब्लम एंड पोस्ट। और आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट विद द पीपल नॉट कीपिंग एनी काइंड ऑफ पोस्ट, एनी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन, इज वेरी गुड टू अटैच ऑल अवर कॉमन मास पीपल, राइट फ्रॉम पुअर टू द लर्नेड पीपल, and very good. I am congratulate you, and I found lot of ladies also participating up to 12 o'clock, educated officer ladies participant here, and I am very nice to see many of the North Indian people are transformed into Buddhism philosophy, particularly Haryana, Punjab and Uttar Pradesh, and very very change, although I have some few friends like KP Singh Delhi, but it's a very transformation. Because after 20 years, I am finding a lot of transformation in Kanpur and Lucknow, our Buddhist people. So, thank you, sir. Nice talking to you. Thank nice you. Joining. Thank you so much, sir. Ramesh Katke, sir. हाँ sir. Sir, आप कह रहे थे उस time. मैं दो मिनट लूँगा. क्यों फोरक था? हाँ sir, मैं ये दो ही बात करूँगा. एक तो पहली बात है, जब 1956 में बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी, तो पत्रकारों ने पूछा था कि आपका आरक्षण का क्या होगा, तो बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण मेरे कोर्ट के जेब में है, मैं खड़ा भी रह जाता हूं तो आरक्षण में जितना देना है सबको दे सकता हूं। इतनी ताकत एक इंसान में थी, एक इंसान ने हमको आरक्षण दिया और हम 100 करोड़ से ज्यादा है बचा नहीं पाए। इसका रीजन ये है कि हम यूनाइट नहीं है। अब रही बात स्ट्रेटेजी की, तो स्ट्रेटेजी के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण रहने तो अलग, एक बात है कि आर्टिकल 13 के मुताबिक क्या सुप्रीम कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन है आरक्षण को डिफाइन करने का? बिल्कुल नहीं है। तो उनकी जो व्हील है, जुडिशियल व्हील गलत है, वो मनुवादी व्हील है। तो क्यों ना हम आर्टिकल 13 के ऊपर जोर दे, एक तो कि सुप्रीम कोर्ट को ये सुनने का अधिकार ही नहीं है, एक तो रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन में प्रमोशन ये भी नहीं सुना सकते, वो नहीं सुन सकते। दूसरी बात सर, हमारा आंदोलन ज्यादा बढ़ने के लिए हम ये कर सकते हैं कि आर्टिकल 16(4) में जो प्रोविजन दिया है उसमें एससी एसटी को कहीं भी हैमर नहीं किया है, तो क्या हम ऐसा करते हैं ओबीसी को जोड़ने के लिए एससी एसटी ऑब्लिक ओबीसी, ऐसा संविधान का संशोधन अगर हम लाते हैं तो सारे ओबीसी लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं और हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं न्याय मांगने के लिए। और दूसरी ताकत हम समन संघ की उनके पीछे लगा देते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट में हमारा साथी खड़ा रहेगा तो उसके पीछे समाज के 10 करोड़ 5 करोड़ लोग खड़े रहेंगे, तो ही उसकी बात सुनी जाएंगी। धन्यवाद सर, जय भीम महोदय। बिल्कुल ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू सर, बहुत बढ़िया सर, एब्सोल्युटली। सिंह सर, आपका आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है, आप बोले सर। सभी साथियों को मेरा नमो बुधाय, जय भीम। जी सर। सर मैं हरपाल सिंह, वैसे तो मैं पेशे से हौजरी का होलसेलर हूँ, बिजनेस में हूँ, लेकिन आज मैं किसी वकील से कम नहीं मान रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि इतने सारे हमारे महापुरुष, हमारे सीनियर साथियों की बात सुन के एक अलग एनर्जी आई है कि रियल में जो चीज हमने बहुत पहले सिर्फ स्टडी वाइज थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी, आज उनका हमें परिचय देखने को मिल रहा है कि संघर्ष के बाद में इन्हीं अनुच्छेद और संविधान के अनुच्छेद के बाद जो संघर्ष हुआ है हमारे हकों के लिए, वो हम उस हक से दूर भी हैं और हम अनभिज्ञ भी हैं, जिनको हम जान नहीं पा रहे हैं, और धीरे धीरे हमारे हकों की
हम हकों को छीना जा रहा है, लेकिन हमारी आंखों के सामने वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसी को हमारे साथी लोग संघर्ष कर रहे हैं, और इसी बात में बड़ा अच्छा एक अलग एनर्जी आई कि भाई बात तो ठीक ही है। हमारे राजकुमार सर जी हैं और हमारे राज एक और सर जी हैं, नाम से मैं ज्यादा नहीं मतलब बता पा रहा हूँ, बाकी बहुत बढ़िया लग रहा है और मैं कई मीटिंग्स में जुड़ा हुआ हूँ और अच्छा लग रहा है। आर के बोध जी ने मुझे छोड़ा है तो वैसे तो मैं तो आज देखिए मैं तो वकील नहीं हूँ, इसलिए मैं शांति से सब कुछ सुन रहा था और मुझे अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट जो हैं डिस्कशन में आए। एक बात से हम थोड़ा चूक गए हैं कि रमेश कटके जी ने ये बात कही थी सर ने कि भाई आज 31 जनवरी को 1920 को वार साहब ने मूक नायक पेपर निकाला था और उस पेपर ने क्या कलामात की क्या 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 करिश्मा दिखाया कि जिसकी वजह से हम बाबा साहब अम्बेडकर अपना एक इतना बड़ा संगठन इतना बड़ा आंदोलन जो है उसको कामयाब कर पाए, उस पर हमने कोई ज़्यादा बात नहीं करी। मेरा ख्याल है कि भाई हमें इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। अगर हम अपने इतिहास को समझेंगे कि इतिहास में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम कामयाब हुए, क्योंकि हम मैं अक्सर देखता हूं कि भाई हमें जो मिला हुआ है जो हमसे खुश रहा है उस पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बेचने उसके कॉज में नहीं जाते कि जो हमें मिला था हमसे खुश कैसे गया और किसने हमसे छीन लिया और किस किन किन कारणों की वजह से वो हमसे दूर हो गया। अगर हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी जो हम ऊपर ऊपर से कर रहे हैं इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। अगर हम अपने लोगों को बेस बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक नाम इसलिए रखा था कि कुदरत ने हमें बोलने की शक्ति दी थी, वरदान दिया था, और मनुस्मृति ने वो हमारा कुदरती जो एक अधिकार था उसको भी हनन कर दिया उसका भी, तो बाबा साहब ने ये कहा कि जिन लोगों का आप लोगों ने हनन कर दिया है कि वो बोल नहीं सकते मूक हो गए हैं, मैं उनकी आवाज बन के आज से मैदान जंग में आ रहा हूं। तो वहां से बाबा साहब उस मूक नायक पेपर में खुद ही बहुत सी कहानियां लिखते थे और खुद ही महलों में जाकर पढ़ के सुनाया करते थे कि देखो देखो जो आज अखबार में क्या लिख के आया, और सभी लोग वहां इकट्ठे होकर उसकी बात सुनते थे। ऐसे ही बाबा साहब ने लोगों के बीच में ये एक लगन लगाई जिसका सहारा लेकर आगे जाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना आंदोलन खड़ा किया, सत्याग्रह मनुस्मृति को जलाया, सत्याग्रह महातलाब का किया, कालाराम मंदिर का किया, लेकिन उससे बाबा साहब के दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे अल्टीमेटली पार्लियामेंट में घुसना है। ये सारा रास्ता जो बाबा साहब तैयार कर रहे थे वो अल्टीमेटली इसमें था कि जिस दिन भारत आजाद होगा और भारत का नया संविधान बनेगा, भारत की नई सरकार बनेगी, और उस सरकार में मुझे अपने लोगों के लिए प्रोपोर्शनल हिस्सा लेना है। इसके लिए सारी लड़ाई थी बाबा साहब की, ना दर्शन करने के लिए, ना पानी पीने के लिए। पानी तो हम पहले भी पीते थे, गंदा मंदा भी पीते थे, सदियों से पीते आ रहे थे, इतिहास में कोई ऐसी चीज तो दर्ज है नहीं कि भाई अशूतों ने गंदा पानी पी लिया तो इतने अशूत हजार अशूत मर गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो चार मरे भी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि गंदा पानी पी के नहीं मरे होंगे, मरे होंगे जहाँ। तो इस बाबा साहब का हम कंसेप्ट जो है बाबा साहब का जो ये था कि मेरे लोगों को मान सम्मान में इसके साथ जीने का अधिकार मिले और उस मान सम्मान को सस्टेन करने का प्रोपोर्शनल हिस्सा मिले, ये लड़ाई थी बाबा साहब की। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि आज वकीलों का है, मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन मैंने बाबा साहब को जितना पढ़ा है, मैं बाबा साहब को दुनिया का और भारत के संविधान को दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ मानता हूं और बाबा साहब अम्बेडकर को दुनिया का सबसे पावरफुल एजुकेटेड विजनरी और फाइटर और सेवियर
और करोड़ों लोगों को जीवन दान देने वाला समझता हूँ। इसलिए बहुत से लोग मुझे तरह तरह के मैसेज भेजते रहते हैं कि तुमने अपने बाप को छोड़ दिया, तुम वाल्मीकि जाति में पैदा हुए या तुम भंगी जाति में पैदा हुए, सफाई कर्मचारी पैदा हुए, अब तुम छोड़ के बुमहार। तो ये बातें मेरे लिए बहुत छोटी हैं। मैं मुझे उनके ऊपर दया आती है, मैं उनसे गुस्से नहीं होता, मुझे उनके ऊपर दया आती है कि आज इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने के बावजूद भी अगर कोई ये समझे कि हमें जो कुछ भी मिला है वो वाल्मीकि जी से मिला है, जहाँ और दूसरे जो हमारे संत हैं या डेरा है, जैसे सुधीर जी ने आज कहा था कि उस डेरे से मिला है, तो फिर तो मैं उनकी मूर्खता के ऊपर हंस ही सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, जहाँ आंसू बहा सकता हूँ कि इतनी मूर्खता के लिए हमारे पास हमारे बीच में जगह नहीं होनी चाहिए, खास करके उन लोगों के बीच में जो विदेशों में बैठे हैं, ना जहां रिजर्वेशन की जरूरत है और ना जहां कास्ट की जरूरत है, और हम दोनों चीजों की एब्सेंट में भी अपनी कास्ट को इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। और मुझे बड़ा इस चीज पे कई बार आश्चर्य भी होता, कई बार उनकी सोच विचार के ऊपर तरस भी आता है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस शक्ति से और जिस तरीके से और जिस सोच विचार को लेकर ये संघ आज इकट्ठा हुआ, मैंने बहुत से संगठनों में काम किया है और वो संगठन भी मुझे काफी दोष देते हैं, मैं सभी के दोष के साथ साथ फिर भी ये कहता हूँ कि अल्टीमेटली जो कुछ मैंने देखा है पिछले इस 35 साल में, ये संघ ही सबसे बढ़िया मुझे लगा है। और इस संघ का जो तौर तरीका है और इसके जो नियम है वो सबसे बढ़िया है। अगर हम इसको फॉलो करके एक साल डेढ़ साल तक इकट्ठे रहे और हमने 5-5, 7-7, 8-8 हजार और जहां लाख लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो संविधान की तरफ कोई नजर उठा के भी नहीं देखने वाला रहेगा, उसके उसको उसको खारिज करना तो बहुत दूर, नजर उठा के भी देखने वाला नहीं रहेगा। आप इस संघ को साथ दोगे, इसका सहयोग करोगे, इसके साथ अपना पूर्ण रूप से आपको कमिट करोगे और मिशनरी भावना से इसके बीच में काम करोगे, इसी आस्था विश्वास और उम्मीद से मैं आपसे विदा लेता हूं। आप लोगों ने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और जय जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। हम तो केवल कोर्ट में गलत करते हैं सर, आप तो हमारे समाज को यहाँ तक इतनी सारी जानकारियां, इतना सारा एक्सपीरियंस, इतना सारा अनुभव देते हैं, मेरा ख्याल आपसे बड़े वकील हम नहीं हो सकते सर। और हम सब बहुत ही आपको उतावले रहते हैं, आपको सुनने के लिए, आपके दीदार के लिए हमेशा इंतजार करते रहते हैं सर। आप अपना अनुभव शेयर करते रहे और हम सब बहुत खुश नसीब है कि संघ के माध्यम से, समर्थ संघ के माध्यम से हम इकट्ठे हुए और आप सब अनुभवी लोगों को सुन पा रहे सर। बहुत बहुत साधुवाद सर आपको, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी आवाज अच्छी है, इसको बनाए रखिएगा। बहन साहब, हम तो बिजनेस की बात भी तो चाह रहे थे कई साथी, आप तो वकीलों के चक्कर में आपने वो चेंज कर दिया मामला। भाई आज दिन वकीलों का है तो मैं इधर उधर की बातें करूं तो अच्छा नहीं लगता ना। तो अभी पूरा हो गया वकील वाला ओवर सर, एडवोकेट्स का ओवर पूरा हो चुका सर, आप बताइएगा। आपसे हमें समाज के बहुत सारे फैक्ट टेक्निकल हिंट्स और बेटर पॉइंट्स मिलते हैं सर। बिल्कुल, अपने सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे नए नए पॉइंट मिलते हैं। जो हमारे आदर्श है, हमारे आदर्श है ये, और ये अभी छोटी छोटी बातों के लिए आप विचलित मत होया करो बैल साहब, ये तो बिच्छू है। नहीं बैल सर, आपसे बहुत सारी चीजें जो हमसे छूट गई हैं कहीं, वो आपसे मिलती हैं हमें सर। नहीं, उन्होंने छोड़ी नहीं है, क्योंकि हर आदमी का एक अपना वो विषय लेके आते थे और उस पर बात करते थे, मैं भी उसको एंजॉय कर रहा था, इसलिए मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। लेकिन जो मूक नायक की जो बात मैंने इसलिए रखी कि रमेश कटके जी ने ये बात कही थी, लेकिन उनको भी शायद नहीं समा मिला और ये बात आगे नहीं बढ़ सकी। और
मुझे तो आज ये लग रहा है कि भाई जो कुछ आज अब आप लोगों ने बात करी है उसमें भी बहुत से लोग हमारे मूक हैं, तो ये संघ ये भी मूक नायक की भूमिका अदा करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आज यहाँ आकर लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ये उन मूक लोगों को जब मूक जो ऑफिसर्स हैं या मूक अच्छे जो हमारे नेता हैं जो विधानसभाओं में पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये उनको बोलने के लिए भी प्रेरणा देगा और उनको हिम्मत भी देगा, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेता भी बोलना शुरू करेंगे, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी बोलना शुरू करेंगे और हमारे अधिकारों की बात करेंगे। कोई हम उनसे कोई ये नहीं कह रहे कि वो इधर उधर की आकर बात करें, वो हमारे अधिकार जो संविधान में रजिस्टर्ड हैं, जो बाबा साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दे के लिए हैं, उन अधिकारों को हम कैसे बचा सकें, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए, कम से कम इतना तो हमें होना चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए अपनी से बढ़िया जगह नहीं छोड़ सकते, तो जैसी हमें मिली है वैसी जगह तो हम छोड़े। इसीलिए मैं बीच में आपके बीच में आ जाता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहल साहब, सर राजनीति राजनीति से जुड़े जो लोग हैं, सर राजनीति से जुड़े लोग हैं वो तो समन संघ में आ ही नहीं रहे, अगर आप भी टिक नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी खिचड़ी यहाँ बनने वाली है नहीं। बहल सर, मैं एक दो मिनट बात करूं। कटके साहब को एक मिनट आने दो। सर, आपने मूक नायक की बात रखी इसलिए मैं मूक नायक का थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूं, क्योंकि बाबा साहब ने एक एक चीज हमारे लिए कितनी मेहनत से दी है। मूक नायक का इतिहास ऐसा है सर, 1818 में जो भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था, उस वक्त पेशवाओं के सारे अधिकार चले गए थे, तो पेशवाओं ने क्या किया, अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर लाना शुरू कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की सत्ता पूरी मोनोपाली हो गई सारी इंडिया में, इसीलिए 1827 में मुंबई के जो गवर्नर थे एल्फिस्टन, उन्होंने कानून बनाया, और जो मिलिट्री के जो कर्मचारी थे एससी एसटी और ओबीसी के, उनको पढ़ने का अधिकार दिया, और मिलिट्री के स्कूलों में इन लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला, शिक्षा में जाने लगे। तो यही देखकर ज्योतिबा फूले ने 1844 में आंदोलन शुरू किया, और 1848 हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी साल है। 1 जनवरी 1848 में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई ने स्कूल खोला अछूतों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, और उसी साल एक सोनार समाज के बाल शास्त्री जांबेकर करके थे, उन्होंने इंडिया का सबसे पहला बहुजनों का पत्रक शुरू किया जिसका नाम था दर्पण, दर्पण यानी आईना। तो वो 1848 में ही हुआ, और 1848 में ही कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। तो ये सारी बातें 1848 में हुई, और बाद में जब ज्योतिबा फूले का आंदोलन बहुत बड़ा हुआ तो उन्होंने दीन बंधु करके एक पत्रक निकाला था, जिसका मेघाजी लोखंडे करके वो चलाते थे, वो पहले कामगार लीडर थे। तो वो सारी बातें बाबा साहब ने निचोड़ करके उसका ये करके फिर मूक नायक शुरू किया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि 1909 का जो मोरले मिंटो रिफॉर्म हुआ उसके हिसाब से फिर शाहू महाराज की मदद से मूक नायक शुरू किया बाबा साहब ने, और मूक नायक ने हमको पहली आवाज दी सर, अदरवाइज हमको कोई आवाज नहीं थी, हमारे ऊपर कितने भी अन्याय हो अत्याचार हो उसके लिए जबान ही नहीं थी हमारी, तो बाबा साहब ने सबसे पहली जबान हमारी खोली मूक नायक की वजह से। तो इसके बाद फिर बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत, ये सारी पेपर्स बाबा साहब की आई। तो बाबा साहब एक एक चीज हमारे लिए ऐसे चून चून कर लाए हैं, इसीलिए जितना भी उस महामानव का शुक्रिया अदा करें उतना कम है सर। धन्यवाद, जय भीम। कटके साहब, बाबा साहब बार बार जो नाम क्यों चेंज कर रहे थे उनके? सर एक बात ऐसी है कि 1920 का मूक नायक शुरू हुआ और 1922 में छत्रपति शाहू महाराज का देहांत हुआ, तो फाइनेंसर ही नहीं बचा, क्योंकि बाबा साहब तो पढ़े लिखे थे लेकिन हाथ में तो दमड़ी नहीं थी, तो वो पेपर नहीं चला। उसके बाद बाबा साहब ने महाड़ का सत्याग्रह जो किया तो उसकी पब्लिसिटी करने के लिए उनके पास पेपर ही नहीं था, और तिलक के केसरी ने बाबा साहब की एडवर्टाइज नहीं दी थी, महाड़ का आंदोलन शुरू किया उसकी एडवर्टाइज
बाबा साहब ने केसरी में दी, तिलक के पेपर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो फिर बाद में बाबा साहब ने एक अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत निकाला, दो साल में वो भी बंद पड़ा। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने बहुत आवाज उठाई सारे यूनाइटेड नेशन में, यूके में बहुत बाबा साहब की सराहना हुई, लेकिन इंडिया में कोई पढ़ने वाला नहीं था, पेपर ही नहीं था, इसीलिए फिर जनता शुरू किया। जनता 1955 तक चला, फिर बाद में बुद्ध धम्म की दीक्षा लेनी थी इसलिए उसका नाम बदलकर प्रबुद्ध भारत रख दिया। तो ये पैसे के वजह से हुआ सर सब कुछ, वरना बाबा साहब के पास पैसे रहते तो नाम बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी बात है सर, उनको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, पैसे ही नहीं होते थे सर, क्योंकि एक गांव में एक पेपर जाता था, 15 दिन तक गांव के लोग पढ़ते थे। और शुरू शुरू में तो ऐसा हुआ कि ब्राह्मण को बुलाते थे पढ़ने के लिए। तो एक कहानी ऐसी है, विदर्भ में एक गांव में पेपर पढ़ने वाला कोई नहीं था, ब्राह्मण को बुलाया पेपर पढ़ने के लिए, उसने 2 एकड़ जमीन मांगी, बाद में पेपर पढ़ाया। ऐसी हालत थी हमारी। नहीं सच, वो मुझे भी ध्यान है, पेपर आता था वही पेपर कई जगह जाता था, मैंने भी अपनी लाइफ में देखा। खराबी ये पहले 2 एकड़ जमीन मांग ली, ऐसा ही होता था सर, अज्ञान के सामने क्या करते, क्योंकि पेपर तो पढ़ना था, पढ़ते नहीं था, आज जमीन कहाँ गई हमारी सारी। ठीक है ना, ये तो बड़े बड़े धोखे हुए, धोखों को समझ में आएगा। आज भी सर हमारा समाज मूक नायक ही है सर, ये मूक नायक मेरा ख्याल अभी जब से समर संघ चालू हुआ है, समर संघ लोगों में आके लोग बोलने लगे हैं, कई सारी महिलाएं कई सारे मूक नायक नहीं है सर, मूक है, मूक नायक तो अब बनने की बात है, अभी कौन बनेगा। यस सर, हमें कोई बहुजन मीडिया और कोई पेपर के लिए सोचना पड़ेगा। अभी कम से कम आवाज तो निकलने लगी सर, आवाज नहीं आ रही थी, उसका कारण ये था सर, हमारे समाज में देखिए हम सब लोग कैसे, इवन मैं खुद बता रहा हूँ सर कैसे होता है, किसी आदमी को सुबह आप बोल दो, किसी छोटे आदमी को सुबह कि आप बीमार हो, आप पूरा दिन रिपीट कर दो उसको 20 बार, तो बीमार है तो बेचारा बीमार हो जाएगा। तो जिस समाज को इतने सालों से तू मूर्ख है, तू झूठ है, तू गरीब है, तो उसकी आवाज ही बंद हो गई सर, इतना उसको कभी निकलने मौका ही नहीं मिला। अभी मेरा ख्याल समर संघ में आकर के लोग कितने एनर्जेटिक हो रहे हैं, आप लोग महसूस किया होगा, कई लोग आते हैं जो प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, उनकी भावना उनकी फीलिंग्स हमें पूरा गिन समर संघ से धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, हर घटक के लोग आके अपना पोटेंशियल अपनी प्रतिभा देंगे, वॉलंटियर आके और जितना ज्यादा दे सकते हैं सर, अपने आप को स्केच करेंगे, स्केच करना सीखेंगे यहाँ, क्योंकि अपनापन है सर, यहाँ प्यार है, यहाँ सच्चाई है, यहाँ पारदर्शिता है, यहाँ क्या बोलने की जरूरत है, हमारे बाप दादा नाना नानी का समर संघ है, हम सब लोग हमें पूरा अकेले सर बहुत आगे जाएंगे, और आप सबने मौका हमें भी हमें मिलता है सर, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि समर संघ की जानकारी मिल रही है। मैं 2 साल पहले पृथ्वीराज जी बड़ौदा आए थे और हमारे घर भी आए, हमें उनसे मिलके जब तभी उनकी आवाज में लगा कि हम बहुत आगे ये भावना कहीं लेके जाएंगे, और हमें बहुत खुशी आप सब लोगों को सुनकर के, मैं सीख रहा हूँ, रमेश काटके सर को मैं सुनता हूँ, बैल सर, तो और ये सब लोग कैसे गैप जो होते हैं आ करके गैप को फुलफिल करते हैं, और कितना आगे चीजें बढ़ती जा रही है सर, हर रोज बढ़ती जा रही है, हर रोज ऐसा लगता है कि नया जीवन नई विचारधारा के साथ हम प्रफुल्लित होते जा रहे हैं, और हमारी महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के आगे आ रही है, हमें बहुत आगे जाएंगे। रामचंद्र सर, यस सर, वो मैंने आपको फोन किया था, आपका फोन मिला नहीं, ऐसा है कि इस बार संडे को ना हाउस में वकीलों का संघ प्रपोज करेंगे, ठीक है, और उस और तब सब जो संघ प्रपोज होगा, उस वकीलों का जो घटक प्रपोज होगा वो फिर स्ट्रेटेजी बनाएगा, साधु साधु साधु, वकीलों का काम है वो आगे कैसे बढ़ेगा, और जितने भी पूरे देश के वकील हैं वो कैसे एक दूसरे के नेटवर्किंग कर पाएंगे, और जितने भी वकील आपके वहाँ पे गुजरात में है ना आपके टच में, जी सर जोड़ने का काम अब आप शुरू कर दीजिए सर, क्योंकि जो घटक बनेगा, श्योर सर जैसे डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हालांकि हमें जो है डायरेक्टली अगर हम कंसल्टेशन ऑनलाइन देंगे या वो करेंगे तो वो हम सॉलिसिटेशन में काउंट कर लिए जाते हैं, बार काउंसिल हमको सॉलिसिट तुरंत बोल देगी कि हम सॉलिसिट कर रहे हैं, तो हम कोई ऑल्टरनेटिव निकालेंगे, घटक कोई ऑल्टरनेटिव निकालेगा कैसे हम लोगों को बेनिफिट कर सकें। तो यहाँ पे और भी जितने वकील भाई जुड़े हैं, जितने भी वकील साथी जुड़े हैं, इस संडे को हाउस में वकीलों का घटक जो है वो प्रपोज किया जाएगा, तो अगर
संघ में काम करना चाहते हैं और वकीलों के घटक में काम करना चाहते हैं तो अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दें, वरना मेरा नंबर मेरे नाम के आगे आ रहा है, अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दें और हम वो घटक बना के संघ के लिए काम करेंगे, संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और वो जो विल है, जो विल हमको जुडिशरी में चाहिए उसको मजबूत करने के लिए काम करेंगे। नहीं नहीं श्योर 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 पूरी सर कोशिश करेंगे बिल्कुल। साधु 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 मंगल कामना। अभिषेक जी अभिषेक राजपूत सर के ये संघ जितनी जल्दी और जितना मजबूत और जितना विस्तृत हो जाए उतना ही ज्यादा जल्दी और जरूरी है। हम जितना जल्दी जुड़ जाएंगे उतना जल्दी इन सब चीजों पर, अभी मैंने उसमें देखा था कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा, मेलका नाम आपके पास आ रहे सारे, मुझ में भी सब में भीम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, तुझ में भीम मुझ में भीम सब में भीम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, जितने हैं संसार के प्राणी सब में है एक ज्योति, सब में है एक ज्योति, जितने हैं संसार के प्राणी सब में है एक ज्योति, सब में है एक ज्योति, ना जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया, ना जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, तुझ में भीम मुझ में भीम सब में भीम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, भीम राव के बच्चे हैं हम सावित्री हमारी माता, भीम राव के बच्चे हैं हम सावित्री हमारी माता, दाना पानी देने वाला संविधान हमारा दाता, दाना पानी देने वाला संविधान हमारा दाता, जागो और जगाओ सबको समय ऐसा आया, जागो और जगाओ सबको समय ऐसा आया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, तुझ में भीम मुझ में भीम सब में भीम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, भीम राव के बच्चे हैं हम सावित्री हमारी माता, दाना पानी देने वाला संविधान हमारा दाता, जागो और जगाओ सबको समय ऐसा आया, पढ़ लो और पढ़ाओ सबको समय ऐसा आया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, तुझ में भीम मुझ में भीम सब में भीम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, जय भीम नमो बुधाय
बहुत बहुत थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत साधुवाद, थैंक यू। हेलो जी, हाँ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। नागपुर से बात कर रही हूँ। मैडम ने जो गीत गाया वो बहुत ही बहुत बहुत है ना, बहुत ही अच्छा गाया है, जो मुझे नींद भी आ रही, लेकिन मैं उठकर बैठी हूँ। मैं शुरू से आपकी पूरी आज जो मीटिंग है वी द पीपल की बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, और हमारे ऊपर भी जो मैं डिपार्टमेंट में काम करती हूँ तो पदोन्नति में आरक्षण के इसमें हमारे ऊपर भी अत्याचार हुआ है, लेकिन अभी हम तीन सहेलियों ने मिलके कोर्ट में हाईकोर्ट में हम लोगों ने फाइल किए हैं। तो कुछ लोग हमारे यहाँ से बोले कि आपने बहुत गलत काम किए हैं, आपने एडमिन के साथ पंगा लिया हुआ है। तो हमने सोचे कि क्या पंगा लिया हुआ है, तो बोले नहीं, आपने 12 साल हो गए हम लोगों को जो जिला व्यवस्थापक का जो प्रभारी करके हम लोग काम कर रहे हैं, जबकि 30 जगह है हम लोग की डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पूरी रिक्त है, फिर भी हम लोगों से वही इस पे 500 रुपए देके काम कर रहे हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि आज की जो मीटिंग है बहुत सराहनीय रही है, और हमें जो पॉइंट्स मालूम नहीं थे अपने हक के लिए तो वो बैठे बैठे हम लोगों को बहुत पता चला है, और मैंने नोट भी करी, और मैं हमेशा आपके मीटिंग को ज्वाइन करती हूँ, लेकिन मुझे आज रहा नहीं गया तो मैं बोल गई। तो बहुत बहुत साधुवाद मैडम का, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप परिचय दीजिए अपना, कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर से हूँ, मैं हमेशा रहती हूँ मीटिंग में, विजयालक्ष्मी। ये अच्छा किया ना आपने, आप आज बोला स्पीकर ऑन करके। नहीं नहीं ऐड हूँ ना, मैं सभी ग्रुप में ऐड हूँ। नहीं नहीं ऐड तो है, आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा किया ये आपने, ये कह रहे हैं। वही रोजाना की बातें हैं सर, देख करके खुशी होती है, बातें सुनकर के खुशी होती है, और मैंने तो पूरा, ये मेरी सोच है कि पूरा जीवन अंतिम सांस तक समण संघ के साथ रहना है, तो देखता रहता हूँ आप सब लोगों को। कोई पार्टिसिपेट करना ना करना वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Yeah.
Single.